एक बार फिर से भीड़ आगे जाने की कोशिश करती है और एक बार फिर से जो टीयर गैस का इस्तेमाल है वो कर दिया जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि टॉप एंगल से आपको तस्वीरें जरूर दिखा पाऊं और कोशिश एक लिमिट तक होगी। आपको बता दें कि काफी आगे अगर मैं जाऊं तो वहां पर टीयर गैस का इतना ज्यादा इस समय भी असर है क्योंकि लगातार बैक टू बैक बहुत सारे राउंड वहां पर टीयर गैस के नजर आए हैं। एक बार आगे बढ़ने की कोशिश किसानों की तरफ से की गई थी, उसके बाद ये टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और एक बार फिर से प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं और पीछे से फतेहगढ़ साहब से लेकर यहां तक जो पहुंचे हैं उनकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको कि पीछे इस समय एक बड़ा हजूम आप कह सकते हैं कि यहां पर जो लोग पहुंचे हुए हैं, जो किसान पहुंचे हुए हैं। और दूर तक नजर मारिए एक बार सड़क में, आपको बहुत दूर तक हजारों लोग अब नजर आएंगे जो फतेहगढ़ साहब से निकले थे और वो यहां पर उनका काफिला पहुंच चुका है। बहुत सारे लोग ट्रालियों में पीछे ही होंगे अभी, ट्रैक्टर ट्रालियों में, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी यहां पर पहुंच चुके हैं और बहुत सारे पैदल भी यहां पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस समय शंभू बॉर्डर की हम आपको दिखा रहे हैं कि शंभू बॉर्डर पर क्या कुछ स्थिति इस समय बनी हुई है और हरियाणा प्रशासन की तरफ से जिस तरीके की तैयारियां थी और जो आप कह सकते हैं कि टीयर गैस का बहुत हैवी इस्तेमाल किया जा रहा है और बैक टू बैक बहुत सारी टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद थोड़ा सा पीछे पुश करने में जरूर कामयाब हुई है, लेकिन प्रदर्शनकारी बार बार आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद प्रदर्शनकारियों की तरफ से आप कह सकते हैं कि कोशिश की जाती है कि वो आगे पहुंच पाए और बिल्कुल बैरिकेड के आगे पहुंच पाए। लेकिन फिलहाल इस तरह की स्थिति है कि बैरिकेड से 200 मीटर, लगभग 200 मीटर पीछे भीड़ को पुश करने में प्रशासन फिलहाल कामयाब हुआ है और उनके कुछ नेता पहुंचे हुए हैं, उनकी तरफ से संबोधन हो रहा है। दूर है हमसे थोड़े से, लेकिन फिर भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखा पाएंगे कि किस तरह से इस समय नजर आ रहे हैं। वो अपने समर्थकों के साथ आगे की रणनीति, उनको वहां रोकने की कोशिश, ये सब कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं जो किसान नेता इस समय आपको शायद तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। जी हाँ, तस्वीरों में आपको जो नजर आ रहे हैं ये किसान नेता, जिनके साथ बहुत बड़ी संख्या में यहां पर किसान पहुंच गए, उनकी तरफ से संबोधन वहां पर किया जा रहा है, उनकी तरफ से जो उनको अपनी बात रखी जा रही है। हालांकि सुबह से ही किसान संगठनों के जो नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि आप आगे मत बढ़िए, आप आगे जाकर किसी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, आप अपने अपने तरीके से या खुद से डिसीजन कोई भी मत लीजिएगा। तो इस तरीके की सब बातें सुबह से उनकी तरफ से अपील के जरिए की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके बहुत सारे किसान जो बिल्कुल युवा आप कह सकते हैं कि प्रदर्शनकारी हैं, वो आगे बढ़ गए थे और एक बार फिर से आगे आप कह सकते हैं कि बढ़ने की कोशिश की जा रही है और वही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और एकदम से फिर से फायर खोल दिया जाता है टीयर गैस का और उसकी कुछ तस्वीरें नजर आती हैं यहां से। अब अगर मैं तस्वीरों के जरिए देख पाऊं तो 100-200 मीटर जरूर नजर दूर आते हैं और बार बार जो टीयर गैस का इस्तेमाल करके पीछे आप कह सकते हैं कि पीछे धकेलने की, खदेड़ने की कोशिश की जा रही है हरियाणा पुलिस की ओर से और उनकी तरफ से टीयर गैस का इस्तेमाल कर दिया गया। और तस्वीरें लाइव News18 पंजाब के ऊपर आप देख रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति इस समय बनी हुई है यहां पर और उसकी पूरी कवरेज आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। शंभू बैरियर के ऊपर, शंभू बॉर्डर के ऊपर इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि जब जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हैं तो प्रोटेस्ट एक बार फिर से हमें देखने को जरूर मिल सकता है, उस तरह की तस्वीरें भी हमें देखने को मिल सकती हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम लगातार और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस समय की हर एक अपडेट, स्थिति यहां पर क्या बनी हुई है वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए। मेरे सहयोगी अजय हमारे साथ लगातार कैमरे के जरिए अपने दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाने में लगे हुए हैं और एक बार फिर से भीड़ आगे बढ़ती हुई और धीरे धीरे करके नौजवान आगे बढ़ते हुए, उनकी तरफ से अपने फेसेस को पूरी तरह से कवर किया गया है, उनको उनके जो कपड़ों को भिगोकर अपने फेस के ऊपर लगाया गया है ताकि टीयर गैस का ज्यादा कोई उनके साथ कोई प्रभाव ना हो, उनके ऊपर कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे तो स्थिति एक बार फिर से नाजुक बनती हुई हमें जरूर नजर आ सकती है। तो इस समय शंभू बैरियर के ऊपर पैनिक सिचुएशन है और साथ साथ आप कहिए कि एक गंभीर माहौल जरूर यहां पर बना हुआ है। एक बार फिर से किसान जो हैं आगे बढ़ते हुए तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं, कुछ युवा जो हैं वो आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि आगे बढ़कर वो बैरिकेड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ से जो मैं अपनी नजर से देख पा रहा हूं, कैमरा भी आप तक बहुत सारी चीजें पहुंचा रहा है, साथ साथ मेरी कोशिश है कि जो मैं इस समय हर तरफ देख रहा हूं वो भी अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाता रहूं। और जो मैं तस्वीर देख पा रहा हूं कि इस समय ब्रिज के ऊपर बिल्कुल अलर्ट मोड में
हरियाणा पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो खड़ी हुई नजर आ रही है, और एकदम से जैसे ही भीड़ आगे जाएगी तो एक बार फिर से वैसी स्थिति टियर गैस वाली दोबारा देखने को मिल सकती है। आगे किसानों की स्ट्रेटजी क्या होती है और किसान किस तरह से आगे बढ़ते हैं उसके ऊपर सबकी नजरें आप कह सकते हैं कि बनी रहेंगी। अब किसानों के नेता बहुत सारे यहां पर पहुंच चुके हैं जिनकी तरफ से संबोधन किया जा रहा है, जिनकी तरफ से अपने जो समर्थक हैं जो यहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। अपील लगातार मैं जो जिक्र कर रहा हूं कि सुबह से चाहे जो बड़े नेता किसानों के जिनकी तरफ से पूरा कॉल दिया गया दिल्ली कूच का, उनमें सरवन सिंह पंधेर एक नाम है, उनकी तरफ से लगातार ये अपील की गई है कि आप जब भी आगे बढ़े तो पूरी रणनीति के साथ आगे बढ़े। आप ऐसा ना हो कि आप अपने आप तरीके से डिसाइड करके आगे बढ़ जाएं और उसकी वजह से कोई दिक्कत हो, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी रणनीति आगे की क्या रहेगी, आगे किसान कैसे बढ़ते हैं और किस तरह से आगे बढ़कर बैरिकेड्स को पार किया जाता है, दिल्ली कूच किया जाता है, यहीं रुकते हैं, वो स्थिति अगले कुछ आप कह सकते हैं अगले कुछ घंटों में हमें क्लियर होती हुई नजर आ सकती है। तो तस्वीरें लगातार अपने कैमरे के जरिए अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ इस समय माहौल है। बहुत बड़ी संख्या में एक बार फिर से किसान यहां पर हैं और मैं बहुत दूर तक पीछे देख रहा हूं कि तस्वीरों में जहां भी नजर जाइए आपके एक बार पीछे जरूर तस्वीरों के जरिए देखिए, एक बार फिर से टियर गैस का इस्तेमाल, एक बार फिर से टियर गैस का इस्तेमाल देखिए यहां पर एक बार फिर से स्थिति भगदड़ वाली मचती हुई और भगदड़ वाली स्थिति बनती हुई। शंभू बॉर्डर के ऊपर इस समय टियर गैस का इस्तेमाल एक बार फिर से किया गया है और इस बार जो दिल्ली की तरफ से आने वाला रास्ता है उसके ऊपर ये टियर गैस छोड़ी गई है। भीड़ इकट्ठी होती है तो उसके बाद टियर गैस, अजय अगर थोड़ा हम पीछे हो पाए, टियर गैस काफी दूर तक इस बार फेंकी जा रही है, काफी दूर तक टियर गैस का असर प्रभाव हमें नजर आ सकता है। और तस्वीरें अपने दर्शकों तक लाइव एक्सक्लूसिव इस समय तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ इस समय माहौल है यहां पर। टियर गैस का एक बार फिर से राउंड और एक बार फिर से इस्तेमाल और उसकी वजह से यहां पर भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए आप, जैसे जैसे किसान आगे बढ़े थे एक बार फिर से उनकी तरफ से टियर गैस का इस्तेमाल कर दिया गया, टियर गैस छोड़ दी गई और जो किसान नेता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक बार फिर एक एक करके बहुत सारे टियर गैस के राउंड जो अभी तक हमें नजर आ चुके हैं और टियर गैस की वजह से एक बार फिर से आगे से जो प्रदर्शनकारी काफी आगे पहुंच गए थे वो पीछे आ गए हैं और एक बार फिर से आपको आगे बिल्कुल जो क्लियर हुआ नजर आ रहा है। और ड्रोन एक बार फिर हवा में हमें दिख रहा है कि ड्रोन के जरिए भी हो सकता है कि टियर गैस का इस्तेमाल किया जाए, टियर गैस छोड़ी जाए ड्रोन के जरिए। ड्रोन अजय अगर ड्रोन को दिखा पाए, पीछे ड्रोन नजर आ रहा है और कल ड्रोन के जरिए भी ड्रॉप किए गए थे टियर गैस, उस तरह की स्थिति आज भी बन सकती है। ड्रोन के जरिए नजर भी रखी जा रही है और साथ साथ कल ड्रोन के जरिए जो मैं जिक्र कर रहा हूं टियर गैस को भी ड्रॉप किया गया था। और शंभू बॉर्डर के ऊपर इस समय की आप तस्वीरें देखिए, वहां से अंदर आने की कोशिश, यहां से हरियाणा की तरफ जाने की कोशिश, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं उसके बाद टियर गैस छोड़ दी जाती है। तो वो स्थिति इस समय पूरी बनती हुई नजर आ रही है। किसान जैसे आगे बढ़ते हैं और टियर गैस का इस्तेमाल पूरी नजर ड्रोन के जरिए भी रखी जा रही है कि अगर मूवमेंट आगे होती है तो साथ के साथ उनको पीछे धकेला जा सके, पीछे किया जा सके। फिलहाल 100-200 मीटर किसानों को पीछे करने में जरूर हरियाणा प्रशासन कामयाब रहा है और तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या कुछ इस समय की स्थिति आपको नजर आ रही है यहां पर शंभू बॉर्डर के ऊपर। ये लाइव तस्वीरें और एक बार फिर से थोड़ा अजय नीचे भी दिखा देंगे तस्वीरें कि क्या कुछ माहौल है। किसान बहुत बड़ी संख्या में यहां पर हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से टियर गैस का थोड़ा सा प्रभाव कम हुआ और किसान आगे बढ़ने की कोशिश एक बार फिर से धीरे धीरे दो दो चार चार होते हुए टोलियां बनाकर किसान आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इनकी तरफ से बैरिकेड के पास पहुंचने की कोशिश की जाएगी? जैसे ही बैरिकेड के पास पहुंचते हैं तो उसके बाद एकदम से आप कह सकते हैं कि एक्शन में नजर आती है हरियाणा पुलिस, हरियाणा प्रशासन और उसकी तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज 18 के ऊपर जो आप देख रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक पिक्चर आपके तक पहुंचाई जा सके। बड़ी संख्या में किसान इस साइड है जहां पर मैं मौजूद हूं, पंजाब वाली तरफ और दूसरी हरियाणा वाली तरफ जाने की कोशिश है और हरियाणा की तरफ जाना है तो बहुत बड़े बैरिकेड्स हैं। यहां पर एक घग्गर रिवर है, नदी है, उसको क्रॉस करके ही जाना होगा। एक बड़ा ड्रोन अब दिख रहा है,
बड़ा ड्रोन दिख रहा है, बड़ा ड्रोन दिख रहा है, इसके जरिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जो गन है उसका एक एक लिमिट है कि वहां तक ही टीयर गैस छोड़ी जा सकेगी। ड्रोन एक बार फिर से आपको नजर आ रहा है और ड्रोन के जरिए भी हो सकता है कि टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा सके। और क्योंकि ये कल हमने देखा था जब रिहर्सल एक तरह से करते हुए नजर आ रहे थे, उस समय टीयर गैस का इस्तेमाल ड्रोन के जरिए किया गया था। एक बार फिर से ड्रोन हमें नजर आ रहा है और ड्रोन के जरिए हो सकता है कि एक बार फिर से टीयर गैस छोड़ दी जाए, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाए। पर फिलहाल ड्रोन आगे बढ़ता हुआ और ड्रोन काफी आगे तक जाने की आप कह सकते हैं कैपेसिटी रख सकता है और काफी दूर तक ड्रोन के जरिए इस समय पूरी स्थिति को देखने की कोशिश भी की जा रही है हरियाणा पुलिस की तरफ से। और फिलहाल ड्रोन के जरिए, क्योंकि कैमरास ड्रोन में हम जानते हैं कि उसमें फिट होते हैं, तो ड्रोन के जरिए भी मैं ड्रोन के जरिए ड्रॉप किया जा, ये देखिए ड्रोन के जरिए फेंक दिया है एक, ड्रोन के जरिए आपको नजर आ रहे, ड्रोन के जरिए आपको नजर आया किस तरह से टीयर गैस छोड़ा गया है ड्रोन के जरिए। और इस समय थोड़ा पीछे जाकर भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि पीछे भी थोड़ी एक आप भगदड़ वाला माहौल कह सकते हैं कि थोड़ी पैनिक सिचुएशन वहां पर होती हुई नजर आ सकती है। और पीछे ड्रोन के जरिए भी जो छोड़े गए हैं आप कह सकते हैं कि टीयर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आगे जो हम देख रहे थे कि गन के जरिए और उसके बाद ड्रोन के जरिए काफी दूर तक टीयर गैस को छोड़ा गया है ताकि जो पीछे भी भीड़ है उसको और पीछे किया जा सके। अब लोग पीछे जाते हैं या नहीं क्या होता है देखना होगा। एक बार ड्रोन फिर से बिल्कुल हमारे ऊपर है और ड्रोन के जरिए छोड़ा गया था जैसे हम जिक्र कर रहे थे, तो फिलहाल ड्रोन वापस जाता हुआ और ड्रोन की तरफ से दो या तीन टीयर गैस छोड़े गए थे और उसके बाद ड्रोन एक बार फिर से हरियाणा की सरहद की तरफ जहां पर पूरा प्रशासन है उस तरफ जाता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो इस समय शंभू बैरियर के ऊपर की स्थिति जो आप तक पहुंचा रहे हैं, एक बार फिर से किसान धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए, जैसे ही टीयर गैस का थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि असर कम होता है तो उसके बाद जो ये किसान है वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो देखिए दोनों तरफ की तस्वीरें, एक तरफ किसान बहुत पीछे तक हमें नजर आ रहे हैं, बहुत पीछे किसान रुके हुए थे, वहां पर जाकर भी ड्रॉप किए गए एक दो टीयर गैस और उसके बाद एक बार ड्रोन तो वापस जा चुके हैं, दोनों ड्रोन वापस जा चुके हैं या तो दोबारा लोड करके, हो सकता है कि दोबारा एक बार फिर से ड्रोन के जरिए टीयर गैस इस्तेमाल की जाए, वैसी कुछ स्थिति नजर आए। एक बार फिर से किसान थोड़े आगे बढ़ते हुए हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे, अजय अगर तस्वीरें दिखा पाए, क्योंकि जिस तरह से आगे बढ़ते हैं उसके बाद एकदम से टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाता है, टीयर गैस का इस्तेमाल जो हरियाणा प्रशासन की तरफ से वो किया जा रहा है। एक तरफ हरियाणा, एक तरफ पंजाब, इस समय हम पंजाब की तरफ शंभू बॉर्डर के ऊपर इस समय की तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाते हुए और इन तस्वीरों के जरिए कि क्या कुछ माहौल दोनों तरफ बना हुआ है। दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो बिल्कुल मुस्तैद हैं, पैरामिलिट्री फोर्स हमें नजर आ रही है और दूसरी तरफ किसान बिल्कुल तैयारी के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं कि हम एंटर करेंगे, हम हरियाणा को पार करते हुए दिल्ली तक जाना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर। तो फिलहाल की स्थिति यह है कि एक बार फिर से जो किसान प्रदर्शनकारी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, और आप कह सकते हैं कि जल्दी ऐसी स्थिति एक बार फिर से आ सकती है कि टीयर गैस का इस्तेमाल कर दिया जाए, लेकिन ड्रोन, दोनों ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं प्रदर्शनकारी तो उसके बाद एक बार फिर से टीयर गैस का इस्तेमाल होता है।